हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लिए सबसे पहली चीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और मैं तब तक नहाती हूँ और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। अभी अपा बैठे हुए हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी तब से यहाँ बैठे बैठे, फिर मुझे याद आया कि अब ऐसे सोचने से बेटर है कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको चैनल मेरा सब्सक्राइब करना है। पारस ने एक पार्सल मंगवाया था, अभी हम जाने से पहले इसको खोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है जो मुझे पता है और जो मुझे काम आने वाली है, जिससे मुझे इसको नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरा कैमरा पकड़ के बैठ और अब मेरी वीडियो बना। खोल के दिखाऊं। हम रेडी हो गए, बस अब निकलने वाले हैं। निकलने के लिए भी बस 5 मिनट बचे हुए हैं और ये आ गए हमारी व्लॉगिंग वाली स्टिक। इसका रिमोट कहाँ है? अंदर होगा। कहाँ है रिमोट? अंदर होगा। तो ये आ गई हमारी व्लॉगिंग वाली स्टिक, जो अभी हम चलाना सीखेंगे। हमें चलानी आती नहीं है ये फिलहाल। इसको मैंने बोला था कि ऐसे करके जूम करियो बीच में, और ये ऐसे करके कैमरा आगे कर रहा है और ऐसे करके कैमरा पीछे कर। चलो कोई बात नहीं, अब हम इसके साथ खुद अपनी वीडियो बनाएंगे। ओके चलो। रिमोट नहीं मिल रहा था, ये रिमोट मिल गया, वो इसी के साथ अटैच था और हम निकल भी गए हैं। और अभी फिलहाल गाने यहाँ बज रहे हैं, इनको कोई गाना पसंद नहीं आ रहा है तो गाने चेंज करे जा रहे हैं। मेरी आवाज पता नहीं आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी इतने दूर। तो मैं ये बता रही थी बस कि हम निकल गए हैं और हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि इसके दांत में कल से काफी ज्यादा पेन हो रही थी, तो इसलिए कल भी हम गायब रहे। अभी हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। ओके बाय। मैं वहां हाथ मारने लग गई थी, मैं यहाँ से बंद कर सकती वीडियो को। और एक चीज, मिस्टर पारस धीमान उल्टी शर्ट पहन के आए हैं और इनको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये उल्टी शर्ट है। देखो देखो, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पूरा दिख रहा है उल्टी शर्ट है, पता तुझे। मैं गाड़ी में वेट कर रही थी और ये कम से कम आधा घंटा लगा के आया, और मैंने इसको पूछा कि बेबी तेरे को इतना टाइम कैसे लगा, आधा घंटा क्यों लगाया? कहता कुछ भी छेड़ रहे थे मेरे को। इतना प्यार से बता रहा है कि मुझे छेड़ रहे थे। क्या छेड़ रहे थे बताइयो? बता। कुछ नहीं। अच्छा चल मुझे बता क्या छेड़ रहे थे। टैटू के बारे में पूछ रहे थे। स्टेटमेंट चेंज हो रही है लड़के की। इसने टैटू के लिए क्या बोला? लगे अच्छा वो जो लड़की आती है वो अभी गर्लफ्रेंड है। ये कितनी छोटी है वो। मैं क्या मेरे से 12 दिन बड़ी है। ओरिजिनल क्या होता है? परमानेंट और वो होता है टेंपरेरी। ओरिजिनल और डुप्लीकेट क्या होता है? रियल मैन, रियल मींस रियल है। कैमरे का देख रहा है, मैंने ऑन नहीं किया है। रियल मींस की रियल है। तो मतलब कि नहीं कर के कहा हां रियल है। तो बोलते हैं कि तो मैंने पूछा कि मैं क्या इसमें कुछ लोशन वगैरह लगा सकते हैं, तो उन्होंने नारियल का तेल लगवा लिया। तो बोलते हैं कि प्यार हो तो ऐसा ऐसा टैटू वाला। मतलब आपको नहीं पता टैटू से बहुत ज्यादा प्यार है। क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं। मतलब 2 मिनट इसको नहीं देखो ना, तो जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है कि कुछ ना कुछ शरारत कर देता है डांट पड़ने वाली, तो 2 मिनट नहीं देख रहे होते तो वो उस टाइम पे वो करता है। इसके वो हाल है। इसने टैटू के साइड में जो जख्म थे वो निकाल दिए जब तक मैं नहीं देख रही थी। और एक बात बताती हूँ, ये सर उल्टी शर्ट पहन के पीछे घूम, थोड़ा सा पीछे हो जाए, ये ऐसे उल्टी शर्ट पहन के गए थे। कैसे दिखाऊँ? पीछे से दिखाऊंगी बाद में। ये उल्टी शर्ट पहन के चला गया था, इसको मैंने बताया जाते हुए ये फिर भी उल्टी शर्ट पहन के गया। देखा नहीं किसी ने? नहीं देखा होगा तो बताएंगे थोड़ी तुझे। कोई फायदा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? अबे तू उल्टी शर्ट पहन के गया था, पूरी पूरी उल्टी।
क्या फिर पड़ता है इसको? सिर्फ ये सिर्फ उल्टे कपड़े पहनता है। एक बार मेरे पास आएगी इस वीडियो है वो होगी तो मैं व्लॉग में डाल ही दूंगी। इसने उल्टी टी शर्ट पहनी थी, एक तो वो उल्टी थी और उल्टी से भी उल्टी थी। अब वो मतलब ऐसे थी कि पहले तो टी शर्ट ही उल्टी थी, साइड उसकी उल्टी थी, फिर जो पीछे वाली साइड होती है वो आगे थी और उसका वो टैग आगे लटक रहा था। मतलब उल्टी से उल्टी की उल्टी थी वो। ऐसे करता है ये। अगर मैं पहले वाला 1200 तो ना हाँ। नहीं ऐसे निकाल दे मेरी गाड़ी। आ बाबा कैमरा बन जा रहा उधर। अगर ये पहले वाला बार वाला नहीं। तो हम अब जा रहे हैं शंटी बंटी के ढाबे पे, जिसने भी शंटी बंटी का खाना नहीं खाया है हिमालयन एक्सप्रेस वे पे आके शंटी बंटी का खाना जरूर खाना। तो ऐसे बोरी जैसे सारे आसपास ही रहते होंगे, पर चलो जब भी यहाँ से ऐसे इधर उधर को जाओगे तो हिमालयन एक्सप्रेस वे पे शंटी बंटी का खाना खाना। नहीं पसंद आया तो उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं, बनाता वो है। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं फिलहाल खाना खाने के लिए क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब हम जाएंगे अपना ब्रंच करने। ट्रक वाला मुंह भूल गया। चल आगे इस ट्रक को ओवरटेक कर, मैं इसको चिल्ला के बोलूंगी भैया आप मुंह भूल गए। हम अभी खाना खाने तो जा रहे हैं, बट बीच में मुझे एक चीज पारस ने बोला है करने के लिए, वो ये है कि मैं आप लोगों से सजेशन लूं कि हम काफी टाइम से बोर हो रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम कहीं घूमने जाएं। हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा वहाँ पे, आप लोग भी देख लोगे, आप लोग हमारे साथ घूम लोगे। अगर आप बोर हो रहे हो तो मुझे ये बताओ कि हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, और उसमें मैं आपको हिंट ये दे रही हूँ कि प्लीज हिमाचल मत बोलना, हम पैदा ही हिमाचल में हुए हैं। अब घूमने भी अगर हिमाचल में जाएंगे तो वो थोड़ी सी वैसे सा हो जाएगा। तो हमें अच्छे अच्छे सजेशंस दो, जो जगह खुली हुई भी हो, जिसमें हमें लॉकडाउन का चक्कर भी ना पड़े और जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और अच्छी सी सेफ सी जगह बता दो हमें जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं। और जहाँ पे आपका घूमने का मन कर रहा हो लेकिन आप लॉकडाउन में जा नहीं पा रहे हो तो आप वैसे घूमना चाहते हो हमारे साथ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, जगह का नाम लिखो, फिर वापस आओ, फिर आगे की वीडियो देखो। अब मुझे फाइनली वीडियोज बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि स्टिक है, और हाँ ये ट्राईपॉड भी बन सकता है तो मैं इसको ऐसे वो करके स्टैंड करके खुद वीडियोस बना सकती हूँ। मुझे पारस को उठाने की जरूरत नहीं कि उठ और मेरी वीडियोस बना, तो मैं वीडियोस खुद बन सकती हूँ। थैंक यू कुकू, थैंक यू कुकू, ओ कुकू कुकू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहा, थैंक यू क्यों बोल रहा है? जो मर्जी बोलो, ऐसे ढाबे का खाना अलग ही होता है, उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। और कितनी छोटी सी क्यूट सी कढ़ाई में दिया इन्होंने हमें। वो बटर निकाल रहा है तो बटर देखो कितना सारा है इसमें। हमने खाना खा लिया और अभी हम घर जाने वाले थे, बट घर जाने से पहले हम आए हैं एक्चुअल वाले घर में, उस घर में जहाँ हम अभी बस 10-15 दिन में शिफ्ट होने वाले हैं। मैंने अभी तक दिखाया नहीं, बट अभी क्योंकि काम चल रहा है मैं रूम के बाहर वाले एरिया में खड़ी हूँ के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर था, और अभी यहाँ पे काम चल रहा है 15 डेज में, वो भी मैं वैसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगा, बट काम हो जाएगा और फिर इस जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे। और क्योंकि काम चल रहा है तो अभी तो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं आपको होम टूर सिर्फ एक बार में दूँगी जब सब कुछ कम्प्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा बाहर का एरिया दिखा सकती हूँ, पहाड़ियाँ दिख रही है यहाँ से, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग कि यहाँ से पहाड़ियाँ दिखती है। और तो दूसरों के घर देख के तो क्या ही करोगे, किसके घर में आके बसना है आपने। ऊपर मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए लेके आई हूँ अभी क्योंकि यहाँ से पहाड़ियाँ दिखती है और वो हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं, तो हमें ज़्यादा हिमाचल से कनेक्टेड फील होगा इस जगह पर रह के। वहाँ से भी दिखती है बट नॉर्मली इतने ज़्यादा नहीं। इसी के साथ मिस्टर पारस बन गए हैं बैंडेड मैन,
बैंडेड मैन ये इस वजह से नहीं बना है, मैं बताती हूँ किस वजह से बना है। बैंडेड मैन बना है इस वजह से, ये देख रहे हो उसने टैटू के आसपास सीधे के बाजू खोद खोद के इसने टैटू की हालत कर दी कि उसके चारों तरफ जख्म है और उसके चारों तरफ हमने बैंडेड लगा दिया। ये तो बेचारा टैटू पता नहीं क्यों बच गया। चलो अब उतरो 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 बाय। अच्छा मेरा बिल्ला, अच्छा मेरा बिल्ला मिस किया हमें आज, हमें आपको साथ नहीं लेके गए थे ना, याद आई? आई याद। सो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग माई व्लॉग हियर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कल मिलते हो, बाय। मेरे लिए दुआएं करो कि मैं रोज व्लॉग बना पाऊँ और मुझ में रोज इतनी हिम्मत आए कि मैं रोज व्लॉग बना भी पाऊँ, एडिट भी कर पाऊँ, डाल भी पाऊँ, तो फिर आप लोगों को रोज मेरा व्लॉग देखने के लिए मिले। तब तक के लिए बाय बाय।